जय श्री कृष्णा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के चमत्कारों से सभी परिचित हैं, लेकिन मैं आपको एक विशेष चमत्कार के बारे में बताना चाहता हूँ जो नित्य प्रतिदिन होता है। वो चमत्कार देखकर आप लोग भी दंग रह जाएंगे। खुद पुजारी जी इसको देखकर दंग रह जाते हैं। आपको मैं ले चलता हूँ दोस्तों उस चमत्कार की ओर जो वृंदावन पावन धरती के निधि वन की है। निधि वन में दोस्तों आज भी भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के साथ रासलीला रचाने आते हैं। बताया जाता है दोस्तों इस निधि वन में भगवान श्री कृष्ण रात्रि 12 बजे के बाद रासलीलाएं रचाते हैं अपनी गोपियों के साथ। इसमें जो निधि वन में 16,000 जो तुलसी के पेड़ हैं दोस्तों, ये गोपियां बनती हैं ऐसा बताया जाता है। पुजारी जी का कहना है कि रात्रि विश्राम के बिस्तर बिछाया जाता है, माखन मिश्री रंग मैल में रखी जाती है, दातुन रखी जाती है, पानी रखा जाता है, और जब सुबह देखते हैं तो दोस्तों ये सब खाए हुए मिलते हैं, यानी कि पानी पिया हुआ मिलता है, माखन मिश्री का भोग स्वतः ही लगा हुआ मिलता है, और दातुन गीली मिलती है, और बिस्तर पर ऐसा लगता है जैसे कि कोई दोस्तों लेटा है। तो ये भगवान श्री कृष्ण का ही चमत्कार है। और ये भी बताया जाता है दोस्तों इस निधि वन में रात्रि 8 बजे के बाद कोई परिंदा भी नहीं घुस सकता, यानी कि जब तक भगवान श्री कृष्ण की अनुमति नहीं होती है तब तक इसमें कोई परिंदा भी पैर नहीं रख सकता। कहा जाता है कि जयपुर का एक कृष्ण भक्त, परम कृष्ण भक्त, इस निधि वन में भगवान की रासलीला देखने के लिए रुके थे, लेकिन जब सुबह देखा गया था दोस्तों तो वो अपनी मानसिक संतुलन खो बैठे, यानी कि पागल हो गए थे। लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि उसने मरते समय जो चमत्कार किया था, उसने लिखा पेन कॉपी से, मांगा उसने तो उसको दिया, तब उसने लिखा कि इस संसारी माया मोह के तहत मेरे प्रभु की माया मोह बहुत ही निराली है। इस संसार में जो भी कुछ है उससे अच्छी रासलीला मेरे प्रभु की है, इतना उसने भी बताया था दोस्तों। तो भगवान श्री कृष्ण सभी की मनोकामना पूर्ण करें दोस्तों। जन्माष्टमी पर ये चमत्कार मैंने आपको लेकर आया हूँ जो कि अभी भी एक रहस्य बना हुआ है।